हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपने मोबाइल से फ्री इंटरनेट कैसे चलाएं। दोस्तों, जब भी हम फ्री इंटरनेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, बकवास है, ऐसा हो सकता है, टाइम वेस्ट। पर दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने मोबाइल से फ्री इंटरनेट चला सकते हैं। हम अपने मोबाइल पे दोस्तों फ्री इंटरनेट चलाने के लिए एक ट्रिक का यूज़ करते हैं, तो उसी ट्रिक के बारे में मैं आज आपके आप लोगों के साथ उस ट्रिक को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फ्री में इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं वो एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये है वो एप्लीकेशन, आप देख रहे होंगे। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है दोस्तों। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर, मोबाइल 9 या गूगल्स में से जाके सर्च करने पे इजीली मिल जाएगा। और ये काफ़ी छोटी साइज़ का है, मतलब इसकी साइज़ होगी कम से कम 4 से 5 MB का। ये एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हमें इसकी फाइल्स डाउनलोड करनी होती हैं, और वो फाइल्स इसके अंदर हमें रन करानी होंगी, जिससे हम उन फाइल्स और इसकी मदद से फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकेंगे। सपोज कीजिए ये एक ताला है और इसकी चाबी हमें लानी, डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब ये ताला खुलेगा और उसके बाद आप इंटरनेट यूज़ कर सकोगे। तो आप इतना बेसिक समझ ही गए होंगे दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, आप इजीली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में से, मोबाइल लाइन्स में से, या गूगल्स में सर्च करके, या और भी किसी साइट में से सर्च करके आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन जो इसकी ये जो फाइलें हैं, ये आपको ना प्ले स्टोर में मिलने वाली है, ना गूगल में, ना मोबाइल लाइन में, ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्योंकि वहाँ ये अवेलेबल नहीं है। और इन फाइलों का आप सोच रहे होंगे कि ये फाइलें कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, इन फाइलों को डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करें और फ्री में ये 7 से 8 फाइलें हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे पूरी गाइडलाइंस और एक्सप्लेन्स के साथ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि हम आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब इतना आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट फ्री में यूज़ करने के लिए हमें एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन चाहिए, ये वाला VPN का एक ऐप चाहिए, और ऐप्स के अंदर जो इसके क्रैक फाइल वो हमें चाहिए, जिनकी मदद से हम नेट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चलिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको मैं नेट चला के दिखाता हूँ, इससे कैसे चलाते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ऊपर दो टावर दिख रहे हैं आपको, टावर के सिंबल्स, एक ब्लू है, एक ऑरेंज कलर का है। जो ऑरेंज कलर वाला है उस पे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना बैलेंस चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये ऑरेंज वाली जो सिंबल है उसके नीचे अंडरलाइन आ गया, मतलब इससे काम बैलेंस चेक कर रहे हैं, ये इस पे हम प्रोसेस कर रहे हैं। ये देखिए, बैलेंस कितना आ गया, देखिए मेरा करंट बैलेंस है -12 रुपये है। ये जस्ट आप लोगों को ये ट्रिक सिखाने के लिए मैंने ये किया है, 12 रुपये माइनस में है। तो चलिए अभी नेट चला के हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, फिर एक बार मैं दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन को हमने यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद ये जो वोडाफोन स्पेशल सर्वर 1, वोडाफोन स्पेशल सर्वर 2, इनमें से किसी पे एक पे टिक किया। टिक करने के बाद
यहाँ पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो आप यूज़र नेम में जैसे कि लिखा हुआ है वीपीएन बुक डाल सकते हो, और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। दोस्तों ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ, ये लिख रहा है वेटिंग फॉर अनेबल नेटवर्क, मतलब अभी कनेक्ट नहीं है। तो चलिए इसको आगे कनेक्ट करें। कुछ सेटिंग्स में से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे हाँ सॉरी, ये नेट यहाँ से मैंने डिसकनेक्ट रखा था, ये हमने इसको ऑन कर लिया। उसके बाद फिर से एक बार इसको रिकनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए कनेक्ट हो गया है, आप ये देख ही रहे होंगे जो ऑरेंज कलर का टावर सिंबल है उस पे दो एरो आ गए हैं नेट के, मतलब नेट चल रहा है। चलिए मैं आपको इसमें कुछ सर्फिंग करके दिखाता हूँ अभी। मैंने ब्राउज़र को खोला है, क्रोम को, ये देखिए गूगल खुल गया स्पीड से, ये गूगल न्यूज़, देखिए गूगल न्यूज़ खुल गया है, इमेजेस, ये इमेजेस, शायद ये 2G चल रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पे 2G यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप इस ट्रिक से 4G 3G कुछ भी यूज़ कर सको। ये देखिए इमेजेस खुल रहे हैं। दोस्तों आप इस ट्रिक से फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और 1 Mbps की स्पीड तक आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों आखिरी और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ये ट्रिक यूज़ कर रहे हो और इस ट्रिक यूज़ करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, सपोज दैट जैसे आपका कंपनी को पता चलेगा कि आप भाई ऐसे ऐसे उसकी फ्री में नेट यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको सिम को बंद कर सकती है, बैंड कर सकती है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। मेरा और मेरी वेबसाइट का इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये सिर्फ आप अपने वोन खुद के, मतलब खुद के रिस्क पे कर रहे हो। अगर आप फिर भी नेट यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो फ्री में, कब तक को यूज़ कर सकते हो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, जब तक कंपनी को पता नहीं चलता तब तक आप कर सकते हो। और हाँ, जिस दिन पता चलेगा उस दिन नेट के साथ आपकी सिम कार्ड रिजेक्ट होना पक्का है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे फ्री में नेट यूज़ कर सकते हो वोडाफोन की सिम से। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए और फ्री में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट सर्च कीजिए। ओके बाय, धन्यवाद, थैंक यू। कैसे है छोरी?
जय राधा माधव जय कंस बिहारी।